सो भाई साहब यहाँ देखो मतलब जितने सारे जानवर हैं सब लोग मतलब यहाँ पे एरर से लगा हुआ है, एलिफेंट है, लायन है, वॉल्फ है, वियर, और ये देखो भाई साहब, वाह, यहाँ देखो भाई साहब ये सो रहा है, देखो ये है भाई साहब कैमरे में सही। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर चैनल मोहम्मद इरफान ब्लॉग्स। तो भाई साहब अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, फिलहाल अभी मैं तो अपने रूम से बाहर आ चुका हूँ। तो आज है भाई साहब संडे, और तो फिलहाल ये सारे फ्रेंड लोग का मतलब ये प्लान बना हुआ है कि कहीं पर हम लोग चलते हैं आज घूमने उमने के लिए। तो अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं है कि हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं, तो अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहो, आगे कंटिन्यू होता देखो फिलहाल हम लोग कहाँ पर चलते हैं। तो एक दो जगह तो आज हम फिलहाल कवर करने वाले हैं, और जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो मतलब मैं वहाँ पर फर्स्ट ही टाइम जाऊँगा भाई साहब, क्योंकि मतलब मैं ज़्यादातर मुंबई में भी मतलब घूमा हुआ हूँ नहीं। तो आज जहाँ पे मतलब जाएंगे वहाँ पे मतलब आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो और फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं भाई साहब। और जो लोग इंस्टाग्राम पर अगर नहीं फॉलो करते तो फॉलो कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भाई साहब फटाफट वहाँ पर फॉलो कर लो, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो चलो और आज का ब्लॉग फिर स्टार्ट करते हैं। और भाई साहब देखो आज मैं चप्पल में चल रहा हूँ, पिछली बार तो मैं जूते में गया था तो जूते की जो हालत थी भाई साहब इतना ख़राब हो गया था कि क्या बताऊँ। आज संडे तो और तगड़ी भीड़ होने वाली है मुझे लगता है इसे। और फिलहाल देखो अभी रोड पे हम आ चुके हैं, अभी क्रॉस करके जाएंगे हम लोग स्टेशन, और उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे कहीं ना कहीं। सो भाई साहब देखो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं स्टेशन पे, और यहाँ से लोकल लेंगे और सीधा निकल लेंगे हम लोग, यहाँ से बाइक हला के ले जा रहे हैं। तो भाई साहब फिलहाल अभी हम भाई कला पे पहुंच चुके हैं, और भाई यहाँ से हम चल रहे हैं रानी बाग, जो कि यहाँ पे एक छोटा सा जू है। मतलब मुझे तो पता नहीं है, मेरे खाला का लड़का जो वही लेके चल रहा है मुझे, और मतलब वो मुंबई में काफ़ी दिन से रहता है भाई ना, तो वही मुझे ले चल रहा है घुमाने के लिए। तो अभी मैं जू में जो है फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो देखते एक्सपीरियंस कैसा रहता है और आप लोग को भी दिखाते हैं, जैसा कुछ रहेगा मज़ा आएगा। चलो आ जाओ। यहाँ देखो भाई साहब द मुंबई जू, बहुत से हिरण हैं, और फिलहाल क्या शेर है, मतलब भी बहुत सारे हैं, अब देखते फिलहाल क्या क्या मिलेगा। और सो भाई साहब यहाँ पे हमको टिकट के लिए जो है लाइन लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर हम लोग को अंदर जाना है अभी। सो अभी टिकट लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। सो भाई साहब देखो फिलहाल अभी हमने टिकट उकट ले लिया है, और टिकट लेते हैं भाई साहब और फटाफट चलते हैं अंदर, और फिर देखते हैं भाई। फर्स्ट टाइम मैं भी जा रहा हूँ, यहाँ देखो सब लगा हुआ है, देखो शेर चीता है और बाज है, बाकी सबका मतलब बना हुआ है इस पर फोटो वगैरह। और यहाँ देखो भाई साहब जू में हमको पहला जो है जानवर दिखता हुआ, वहाँ देखो हाथी है, काफ़ी दूर है भाई, यहाँ देखो ये खड़ा हुआ है। मतलब फर्स्ट टाइम मैं जू में आ रहा हूँ, गन्ना खा रहा है भाई, वाह, एक ही लेकिन दिख रहा है, एक ही है क्या। और यहाँ देखो भाई साहब ये शेर का पिंजरा है जिसमें शेर वेर है, तो इसीलिए इसको पूरा लॉक करके रखे हैं। और यहाँ देखो भाई साहब ये शेर का पिंजरा है, फिलहाल देखो वहाँ पे गुफा उफा भी बना हुआ है, बट वो दिख नहीं रहा भाई कहाँ पे है अभी, किस जगह में। शायद से गुफा में होगा, चलो अभी कुछ टाइम में निकलता ही, निकलेगा तो फिर दिखाएंगे। यहाँ देखो भाई साहब फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इसको, मतलब रियल लाइफ में तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा, क्या ग्लास व्लास लगा हुआ है, और पता नहीं क्या वो नीचे से निकाल रहा है।
और यहाँ देखो एक शहद का देखो छत्ता भी लगा हुआ है इसके लिए। यही है भाई साहब ब्लैक ब्लैक वाला। अरे भाई साहब सिर उठा दो। सो भाई साहब इधर देखो अभी टाइगर के एरिया में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे टाइगर मतलब है इसके अंदर। आई भाई देखो अगर मिलता है कि नहीं मिलता है। सब लोग भीड़ तो काफ़ी ज़बरदस्त है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। और यहाँ भाई साहब मुझे दिख गया अभी इस पिंजरे के पीछे जो है वो देखो सोया हुआ है, तो बहुत बड़ा है भाई। मतलब वहाँ यहाँ यहाँ पे सो रहा है, यहाँ पे बीच में पेड़ आ जा रहा है भाई। यहाँ देखो भाई साहब ये सो रहा है, देखो ये है भाई साहब कैमरे में सही से नहीं आ रहा है, बस एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे यार। वाह रियल लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे इतने नज़दीक से। और यहाँ देखो भाई साहब ये कौन सा जानवर है भाई, बारहसिंगा है क्या, हिरन है, बारहसिंगा है ना। ये देखो भाई साहब पहली बार ये सबको इतने नज़दीक से देख रहा हूँ, वो भी रियल लाइफ में। और यहाँ देखो भाई साहब इन लोग के लिए आर्टिफिशियल पेड़ भी बना हुआ है, मतलब पिंजरा बना हुआ है, पिंजरे के अंदर लोग रहते हैं। ये देखो बैठ के बंदर पता नहीं क्या कर रहा है, एक छोटा सा बंदर है। इधर दो बैठे हैं और बाकी यहाँ देखो। सो गाइस अभी हम लोग के साथ में एक स्कैम हुआ है, छोटा सा स्कैम। क्या हुआ भाई साहब कि बारहसिंगा बता के यहाँ पे बकरी का बच्चा दिखा। हाँ, बताओ बारहसिंगा बता के 50 रुपए नुकसान करा दिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं, बारहसिंगा ही है लेकिन बच्चे बच्चे भी है ना, छोटे छोटे। किधर इसके अंदर है क्या, इसके अंदर। यहाँ देखो भाई साहब ये रहे हिरण जो बैठे हुए वहाँ पे। मतलब इसमें है कम से कम 10 से 12 लोग हैं, बाकी जितने सारे जानवर एक दो करके इसमें 10-12 हैं। ये देखो दो यहाँ पे बैठे हैं, बाकी झुंड उन लोग का देखो वहाँ पे बैठा हुआ है। इधर भाई साहब हम लोग अभी आ चुके हैं पेंगुइन कच्छ में, यहाँ पे पेंगुइन मिलेंगी। चलो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं फिलहाल कैसे है कैसा नहीं है। ये भाई साहब अंदर से तो काफ़ी मस्त है यार, 3D ऑडिटोरियम। काम 25 मतलब इधर ठंडा देखो, ठंडी जो चालू हो रहा है, ये लोग ठंडी एरिया में रहते हैं ना। और ये देखो भाई साहब जहाँ पे पेंगुइन लोग रहते हैं वहाँ देखो सामने। ये देखो भाई साहब वाह, ये तो सामने सामने से सब लोग वाह, क्या मजा आ रहा है भाई। और इनके पहली बार भाई साहब सबको देख रहा हूँ मैं। तो भाई साहब फिलहाल अभी हम जू से जो है बाहर आ चुके हैं, तो मतलब जितना सारा चीज़ मैंने देखा वो चीज़ आप लोग को दिखाया भी, तो आप लोगों को कैसा लगा वो लोग वो आप मतलब कमेंट में बताओ। तो अभी हम लोग यहाँ से चल रहे कहीं दूसरी जगह पे, तो अभी मैं दूसरा ब्लॉग जो स्टार्ट यहीं से करने वाला हूँ। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते भाई। आई होप कैसे ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, मैं चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग तब तक के लिए।